जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल डॉक्टर ओम चो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइएगा। दोस्तों, डॉक्टर ओम चो से जुड़िए, डायरेक्ट इस चैनल से जुड़िए और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ हमारे द्वारा आपके लिए उपलब्ध किए करवाए जाते हैं, जिनके माध्यम से आपके जीवन में सहज और सरलता से जो भी समस्या हो उसका निराकरण हो जाएगा, इसकी गारंटी तो हम लेते ही हैं बिल्कुल। और दोस्तों, एक और निवेदन है कि जो लोग निःशुल्क ज्योतिष परामर्श उपलब्ध कराते हैं, जिन्हें मिलता भी है, तो पैसे की कृपया ना बात करें, क्योंकि पैसों की बात कर हमारा दिल ना दुखाए। हम बिल्कुल टोल फ्री हैं, निःशुल्क देते हैं, किसी प्रकार से कोई पैसा हमारा लेना उद्देश्य नहीं है। मीन राशि के जातकों को ज़िंदगी बदलना, यह इसलिए टॉपिक रखा गया दोस्तों क्योंकि बहुत से बार में जब निःशुल्क ज्योतिष परामर्श उपलब्ध होता है, बात करते हैं बहुत से जातकों से मीन राशि के, तो पूछते हैं गुरु जी, जीवन में कोई चीज़ अभी तक अच्छी नहीं हो पाई है, सब अस्थिर है, जीवन में कुछ भी नहीं मिल पाया, ये नहीं हुआ, वो बहुत सी परेशानियाँ अनंत जिनकी कोई सीमा नहीं है। तो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो दोस्तों, तो मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। पहली बात है, अपना दांत साफ रखें। दांत साफ इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि अब इसे अन्यथा न ले, दांत साफ इसलिए क्योंकि अगर आपके दांत खराब है तो बृहस्पति इससे कमज़ोर होता है और तकलीफें बढ़ती हैं। मांस मदिरा का अगर सेवन करते हैं तो वो बिल्कुल छोड़ दें, आप 6 महीने के लिए ट्राई करें, क्योंकि बाद में आप भले ही खा लीजिए अगर आपको फ़ायदा ना हो तो, पर मेरा एक निवेदन सुन लीजिए आप। तीसरी बात है, आपको शिव जी को रोज़ जल चढ़ाना है, कंटिन्यू जल चढ़ाना है आपको। जल चढ़ाने में विशेष तौर पर यह बात ध्यान रखें कि जल में दूध ना मिलाकर, मतलब जल चढ़ाएं इस तरह से, और वो जल जो चढ़ा हुआ है उसे 2 बूंद या जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उसे चनामृत स्वरूप में पी लें या अपने ऊपर छीट लें तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मन बिल्कुल साफ रखें, ईश्वर के मंदिर जाएं, बिल्कुल कोई कपट नहीं, कोई इच्छा नहीं रखें, कुछ भी चीज़ मत मांगें, क्योंकि ईश्वर अपने माता पिता है, उन्हें सब पता होता है इसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आपको, कोई कहीं भी कोई नकारात्मक बात दिमाग में अगर आ रही तो उसे बंद करें, बिल्कुल सकारात्मक रहिए तो आप पर बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपके साथ जो तकलीफ है वो नकारात्मकता की है। ज़्यादा सोचे मत और अनर्गल कोई भय उसे ना पाले तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो जय श्री महाकाल बोले।